हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर टू। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जो हमें ये फ्रैक्शन गिवन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है और हमें इससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो देखिए कैसे करते हैं हम। अगर आपको डायरेक्ट याद रहता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रूल से अगर हम करते हैं तो ये कैसे करेंगे। जो हमारे पास ये मिडल में होता है, ये हम एज इट इज नोट करेंगे, 7 देन प्लस 5/9। उसके बाद इसका हम एलसीएम लेंगे 1 और 9 का, 9 होगा। 9 को 1 से डिवाइड किया, 9 आया 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, और प्लस 9 को 9 से डिवाइड किया 1 1 इंटू 5। 63 प्लस 5 डिवाइड बाय 9, 68/9। और अगर हमें ये डायरेक्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे लेते हैं 7 इंटू 9 प्लस 5 डिवाइड बाय 9। ओके, डिनोमिनेटर में जो रहता है वो एज इट इज रहेगा। इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो न्यूमरेटर में उसको ऐड कर देते हैं, ये भी वही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां पे देखिए, फिर जो न्यूमरेटर में है उसको ऐड किया तो वो आ गया। ओके, अगर आप तरीके से करेंगे तो ऐसे करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करती हूं, 5 प्लस 2/4। अब इसको हम कैसे करेंगे, 5 इंटू 4 प्लस 2/4, ये एज इट इज रहेगा। 5 4 से 20 प्लस 2, 22/4। देन 10/1 प्लस 5/15, कैसे नोट करना है, ये एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में 15 इंटू 10 प्लस 5, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 155 डिवाइड बाय 15। ओके, अगर ये एमसीक्यू में आता तो आपको इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे 15 इंटू 10, 150 प्लस 5 155 डिवाइड बाय 15। अब इसमें भी सेम ऐसे 4/1 प्लस, अब आप बोलेंगे ये 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वहां पे हम 1 लेते हैं। ओके, एलसीएम 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 5 प्लस न्यूमरेटर दैट इज 1। तरीका सेम है, जो ये वाला किया था ये सेम है। ओके, 5 4 20, 20 प्लस 1 21/5। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे कि ये दोनों नंबर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की क्या हैबिट है, आप पीछे आंसर चेक करते हो फिर बोलते हो कि आपका तो आंसर मैच नहीं कर रहा, आपको सॉल्व करना नहीं आता। लेकिन बात ये सेम है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर थोड़ी ना होगा, तब आप कैसे करोगे। तो इसमें देखिए क्या किया है, इसको कट कर दिया है। अब कट करना क्या होता है, लोवेस्ट फॉर्म में सेम नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे ये मैंने किया 2 2 जा, ये किया तो 2 1 जा 2 1 जा, दैट इज 11/2। सेम इसने किया है, इसमें 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, दैट इज 31/3। सेम अब इसमें ये हो नहीं रहा है तो ये एज इट इज रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हमें ये कन्वर्ट करना है, जैसे हमें क्वेश्चन 1 में गिवन था। सो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे कि अगर कोई नंबर यहाँ पे कंपोजिट नंबर है तो उसको हम पहले कैंसिल कर लेंगे। जैसे इसमें देखते हैं, हम 2 से कैंसिल किया हमने, 2 6 जा, देन 2 1 जा 2 9 जा, ये हमारे पास क्या है, 19/6। अब इसको हम जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, डिवाइड करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम एज अ डिवाइजर लेते हैं, 6 आपकी लैंग्वेज में बोले तो, जो ये डिवाइड का साइन है उसके बाहर 6 को लेंगे
और जो ये न्यूमरेटर में है 19, ये यहां पे होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 1 रिमाइंडर। तो इसको हम कैसे करते हैं फिर, जो आपके पास क्वेश्चन आया है वो, देन 1 रिमाइंडर वाला, और ये एज इट इज रहता है, डिनोमिनेटर वाला एज इट इज रहता है ये, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। देन 3 बाई 2, ये ऑलरेडी आपके पास लोएस्ट फॉर्म में है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड किया, ये 2 1 2, 1 रिमाइंडर। डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रहेगा, जो क्वेश्चन में आया है वो यहां पे होगा, रिमाइंडर वाला भी यहां पे, ओके, क्योंकि इसमें दोनों सेम है तो ये ऐसे आ गया। 46 बाय 9, अब अगर आपको होगा कि आप बच्चों की तरह करके दिखा रहे हो, आप इसको अपने आप से अपने माइंड में भी कर सकते हो। 9 5 जा 45, रिमाइंडर 1, 1 कहां होगा, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज, ओके, अदरवाइज ऐसे करके देखिए। देन 17 से करते हैं, 17 8 जा 136 होता है, तो हम क्या करेंगे, 8 जा ना लेके 17 7 जा, और रिमाइंडर कितना होगा, 16 बाय 17, क्योंकि 136 होता है वो, सो 135 है, मींस एक कम होगा, तो ये 16 बाय 17, ओके। आप चाहें तो इधर डिवाइड भी करके इसको देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें फाइंड आउट करनी है, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ओके। सो इसमें जो इजी वाला होता है वो आप लोग करिए, कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट यहां पे 2 आपको फाइंड आउट करने हैं, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को, 6 बाय 20 इंटू 2 बाय 2, ओके। देखिए क्या होता है, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या किया हमने, एक्चुअल में कुछ नहीं किया, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेम नंबर रखते हैं, अगर आपने ये 3 कर दिया, ये 4 कर दिया, तो आप अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं ले सकते, वो डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन अगर 2 बाय 2 लोगे, 3 बाय 3, 4 बाय 4, 10 बाय 10, कितना भी आप ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लेना है। सो इसमें हमने किया 6 2 जा 12 बाय 22 जा 40, देन सेकेंड नंबर 6 बाय 20 इंटू 3 बाय 3, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, 6 3 जा 18, 20 3 जा 60, 2 नंबर्स हो गए ये। देन 3 बाय 4, 3 बाय 4 इंटू 2 बाय 2, दैट इज 6 बाय 8, देन 3 बाय 4 इंटू 3 बाय 3, दैट इज 9 बाय 4 3 जा 12। देन 27 का देखते हैं, 27 बाय 18 इंटू 2 बाय 2, 27 2 जा 54, डिवाइड बाय 36, देन 27 इंटू 3, एंड 18 बाय 18 इंटू, ये भी 3 होगा, सेम नंबर लेने हैं, 27 3 जा 81, डिवाइड बाय 54, ये 2 नंबर हो गए इसमें। देन लास्ट में 15 बाय 16 इंटू 2 बाय 2, दैट इज 30 बाय 32, नेक्स्ट नंबर 15 बाय 16 इंटू 3 बाय 3, 45 बाय 48, ओके। आप इसमें डिफरेंट नंबर भी ले सकते हो, यहां पे 7 बाय 7, 10 बाय 10, 100 बाय 100, कोई भी आप ले सकते हो इसमें, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। सो इसमें आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, या फिर हम क्या करते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ओके, आप सभी में क्रॉस मल्टीप्लाइंग नोट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, 4 इंटू 4 और 7 इंटू 7, यहां पे जो साइन होगा फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे, 4 इंटू 4, देन ये बॉक्स है हमारे पास, 7 इंटू 7, ये कितना आया, 16,
और ये 49, यहां से कौन सा ग्रेटर है, 49, तो ये साइन आ गया। यहां पे हम साइन नोट कर देंगे, आप लोग इसको बाद में नोट करोगे ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। देन बी पार्ट, बी पार्ट में भी सेम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल नोट योर सेल्फ 13 × 43, ये हमने मल्टीप्लाई किया, बॉक्स आया। देन 15 × 14, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 43 को 13 से, ये हमारे पास क्या आएगा 559। देन बॉक्स, टू हंड्रेड टेन, सो विच वन इज ग्रेटर, 559 इज ग्रेटर। यहां पे नेक्स्ट स्टेप में आप साइन नोट कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन आपको रिमूव करके तब ये नोट करना है। सेम इसमें करेंगे हम 4 × 30, बॉक्स 24 × 5, 120, बॉक्स इक्वल टू 120। अब ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो इसमें हम इक्वल साइन नोट कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस फर्स्ट वी विल नोट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड इन द लास्ट वी विल नोट द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सो इसमें फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5, 15 and 10, दैट इज 30। एलसीएम हमने लिया 30, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं, 30 / 5, 6, जो हमारे पास आया डिवाइजर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 6 × 3, देन कोमा यूज करेंगे, 30 / 15, 2 × 8, देन 30 / 10, 3 × 3। अब इसको नोट कर लेते हैं, 6 × 3 = 18, सभी में ये कर लेते हैं हम। देन 8 × 2 = 16/30, 3 × 3 = 9/30। अब इसमें आप अपने आप से देख सकते हैं, 9 then 16 then 18, सो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, 3/10, आपको ये वाला नोट नहीं करना है, ये देखना है कि ये कहां से वैल्यू आई है, लास्ट वाला नंबर है 3/10, देन 8/15, देन 3/5। ओके, देन नेक्स्ट इसमें हम एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम ऑफ 3, 6 and 9, दैट इज 18। 18 / 3, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करना है, दैट इज 6, 6 × 2, 18 / 6, 3, 3 × 5, 18 / 9, 2, 2 × 1, 6 × 2 = 12/18, 5 × 3 = 15/18, 2 × 1 = 2/18। नाउ वी कैन राइट असेंडिंग ऑर्डर, 2/18 सबसे पहले, दैट इज 1/9, देन 12/18, दैट इज 2/3, एंड इन द लास्ट 5/6। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में एलसीएम लेंगे पहले हम। अब इसमें देखिए सारे डिफरेंट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 13, 15 and 17, दैट विल बी इक्वल टू, इनको आप मल्टीप्लाई करके जब नोट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3, 3, 1, 5। ओके, अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इतना बड़ा नंबर आप डिवाइड कैसे करोगे, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी इसका बताऊंगी कि थोड़ा सा सिंपल कैसे कर सकते हैं। पहले हमने इसको ये लिया डिनोमिनेटर, देन जब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या याद रखोगे, देखिए डिफरेंट नंबर होते हैं जब, और जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो जो रिमेनिंग टू नंबर्स है
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसको डिवाइड करने पे आएगा। जब आप 3315 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आएगा। ओके, ये हमारे पास होगा 225 और न्यूमरेटर क्या है 9 × 9। फिर 15 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों नंबर आएंगे मल्टीप्लाई में × 11, 221 × 11। फिर इसको जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों नंबर आएंगे × 15, 195 × 15। ओके, देखिए मल्टीप्लीकेशन तो आपको आना ही चाहिए। 9 से करेंगे तो 3315, देन 11 से करेंगे तो 2431, टू नाइन टू फाइव डिवाइड बाय 3315। ओके, अब इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास 2295, दैट इज फर्स्ट नंबर, 9/13। अब देखिए ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, देन 11/15, देन 15/17। इसमें देखिए आप कैसे कर सकते हैं, जो मैं दूसरा तरीका बोल रही थी, ये हम हायर क्लासेस में जब जाते हैं तब यूज करते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हम, कैसे करेंगे, अगर डिफरेंट नंबर है तो 13 × 15 × 17। फिर तरीका वो ही रहेगा, जब 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 कैंसिल हो गया, ये दोनों बच गए, वही मैंने आपको बोला था, इंटू न्यूमरेटर क्या है 9। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आएगा। ओके, इसको इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। फिर जैसे 15 से डिवाइड किया तो 15 वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा 13 × 17 × न्यूमरेटर, दैट इज 11। फिर जब थर्ड वाले में लेंगे तो 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे, 13 × 15 × 15। ओके, इस टाइप से फिर इसको सोल्व करोगे तो यही सेम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, सो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरह नहीं करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देने का यही रीजन था, ताकि आप आगे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप इजिली कर सको। कैसे करना होता है हमें, मिक्स डिफ्रैक्शन से इम्प्रोपर फ्रैक्शन में 6 × 2 + 5, 6 × 2 = 12, 12 + 5 आपको करना है, दैट इज 17/6, प्लस 8 × 3 = 24, 24 + 7 = 31/8। नाउ वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6 and 8, दैट इज 24। एलसीएम लिया 24 को 6 से डिवाइड किया, 4 × 17, प्लस 8 से डिवाइड किया, 3 × 31। देन इनको ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 24, देन बी पार्ट, अगर आपको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आप इसको मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हो। एलसीएम लेंगे डायरेक्ट, इसको मैं सॉल्व कर रही हूं, पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रोपर में कर लेते हैं, 10 × 4 = 40, 40 + 2, दैट इज 42/10, माइनस 15 × 30, 30 + 3, 33/15। एलसीएम दोनों का क्या होगा, 30 होगा, 30 divided by 10, 3 × 42, माइनस 30 divided by 15, 2,
टू इंटू 33। माइनस करते हैं 60/30, दैट इज 3 2 जा, दैट इज 2। दिस इज आवर आंसर। देन सी पार्ट, अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहां पे हम 1 लेते हैं। माइनस 7/8 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 5 29/6। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज 24 डिवाइड बाय 1 24 इंटू 15 माइनस 24 डिवाइड बाय 8 3 इंटू 7 प्लस 24 डिवाइड बाय 6 4 इंटू 29। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 21 प्लस 24। अब इसमें देखिए ये प्लस में है, ये वाला प्लस में, इन दोनों नंबर को प्लस करके ये माइनस कर देते हैं, या फिर इसमें से ये माइनस करके जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड कर देते हैं, दोनों सेम होगा। इसमें मैं क्या करती हूँ, दोनों नंबर को ऐड करती हूँ, 476 माइनस 21 डिवाइड बाय 24, 455 डिवाइड बाय 24, दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी एडिड टू 4 to 5 by 6 टू गेट 8 is to 3 by 10। अब हमें ये बताना कि इसमें आप क्या ऐड करोगे। टू गिव मीन्स इक्वल टू, जो आपके पास क्या है, 8 is to 3 by 10। सो जो हमें ऐड करना है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट वाई शुड बी एडिड टू 4 is to 5 by 6 टू गेट 8 to 3 by 10। सो इसको अब हम सोल्व करते हैं। y हमने ऐड किया है, 6 4 जा 24 प्लस 5 29/6। टू गेट मीन्स इक्वल टू 8 into 10, 80 plus 3 83 by 10। अब y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं। y विल बी इक्वल टू, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होता है वो आपको एज इट इज नोट करना होता है पहले, उसके बाद आप इसको लेके जाओगे। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं 29/6 को पहले नोट कर देंगे फिर इसका साइन माइनस कर देते हैं, जबकि ये तो एज इट इज आना चाहिए। ओके, तो पहले ये एज इट इज नोट करोगे, उसके बाद जो भी आपको लेके आना है वो नंबर। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 30 डिवाइड बाय 10 3 into 83। देन माइनस साइन है, माइनस 30 डिवाइड बाय 6 5 into 29। माइनस 145 डिवाइड बाय 30। अब ये कैंसिल हो रहा है, इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे हम, 2 से करते हैं, 15 2 5 जा 2 2 जा, दैट इज 52/15। अगर आप ये नोट करके आते तब भी ठीक है, और अगर 52/15 करके आते हैं वो भी ठीक है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप चेंज कर सकते हो। इन लास्ट वी विल नोट, वी विल ऐड 52/15 टू 4 is to 5 by 6 टू गेट 8 is to 3 by 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, पार्थ जोग्ड 2 to 1/3 किलोमीटर एंड विधि जोग्ड 3 is to 7 by 8 किलोमीटर,
हु जोग्ड अ लॉन्गर डिस्टेंस, पहले आपको बताना इन दोनों में से किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, हाउ मच मोर और कितना ज्यादा किया है कवर। तो देखिए ये बताने के लिए कि किसने ज्यादा किया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके सो कंपेयरिंग, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 2 6 + 1 7/3 किलोमीटर, 8 3 24 + 7 31/8 किलोमीटर। अब इसको कंपेयर करते हैं, 7/3 एंड 31/8। अगर आप चाहें तो यहां पे बॉक्स भी ले सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको करिए एलसीएम लेके, क्योंकि आगे फिर आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच निकालना है ना, तो इजीली हम फिर माइनस कर पाएंगे। सो इसमें एलसीएम लेते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एलसीएम से हम कैसे कंपेयर करते हैं। एलसीएम लेंगे पहले, 24 24 डिवाइड बाय 3, 8 8 × 7 एंड 24 डिवाइड बाय 8, 3 3 × 31, 56 एंड 93/24। अब इसमें आपको कंपेयर करना था, तो कंपेयर में ये जो सेकंड वाला है, और सेकंड किसका था, विधि का, तो यहां पे हम नोट कर देंगे 56/24, ये ना नोट करके ये वाला करिए, 7/3 इज लेस देन 31/8। सो विधि जोग्ड मोर बाय, और कितना ज्यादा किया है, अब बाय में हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, 31/8 माइनस 7/3, तो जो हमने इधर किया था उसको हम सिर्फ रिवर्स कर देंगे, 93 - 56/24, 37/24 किलोमीटर, ये इतना ज्यादा किया है। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।